हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त अन्नू झा और आपने ट्यून किया है झा न्यू क्रिएशंस, जिसमें कि हम बातें करते हैं तरह तरह के रियूज आइडियाज की। तो साड़ी हमारे पास पड़ी हुई है उसका रियूज करते हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उसका रियूज करते हैं, तो रियूज के बारे में हम आपसे बातें करते हैं। और आप लोगों को मेरी साड़ी रियूज प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पसंद आता है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ उस साड़ी रियूज के, किस तरह की साड़ी से क्या बनाना चाहिए उसका मैं आइडिया दे रही थी आप लोगों को। तो वो जो है वो एक बहुत लंबा वीडियो हो गया था, तो उसको मैंने पार्ट वन कर दिया, अब मैं उसका पार्ट टू लेके आई हूँ। तो इसको भी आप लोग अपना जो है वो भरपूर प्यार दीजिएगा और अच्छे से इसको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो मैंने प्योर कॉटन की साड़ी का यूज किया बताया था, तो केवल उसमें कॉटन की ज्यादातर साड़ियाँ थी। अभी मैं एक दो कॉटन भी हैं एक आध, बट सिंथेटिक साड़ियाँ जो होती है ना, सिफोन जॉर्जेट टाइप की या मिक्स सिंथेटिक, उस तरह की मैं साड़ी का भी रियूज में लेके आई हूँ। लेकिन सारे साड़ी मेरे ज्यादातर रियूज जो आइडिया जो होते हैं वो डेली वेयर सूट के होते साड़ियों के होते हैं, क्योंकि डेली वेयर साड़ी जो होता है वो थोड़े देर दिन पहनने के बाद हमारा मन भर जाता है, तो उससे हम नहीं कुछ करते हैं। और जो हैवी साड़ी होती है उसका सबको पता होता है कि उससे जो है वो आप अच्छा सा अनारकली बना लो, लहंगा बना लो, तो उन साड़ियों का ज़्यादातर लहंगा वगैरह में ही यूज़ होता है और वो फिर ओकेजनली रह जाता है। तो मैं फिर तो वो मतलब रखा ही रहता है ज़्यादातर, तो मैं ऐसी साड़ियों को का रियूज बताती हूँ जो कि रखा ना रहे, क्योंकि अब साड़ी भी पड़ी हुई थी और हमने ड्रेस बना लिया वो भी पड़ी हुई रह जाए हमारी, तो वो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा बनाइए कि उसको जम के पहनिए और मस्त रहिए, ठीक है। तो मैं उस तरह की साड़ियों का रियूज आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो साड़ी, ठीक है, वो देखिए इस तरह की साड़ी है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा ऑल ओवर प्रिंट जो है वो ये है इसका, ठीक है, ये है। और इसमें थोड़ा सा बॉर्डर जो है ना वो ये लगा हुआ है, ये साटन का पट्टी का बॉर्डर लगा हुआ है, और नीचे ये जो वाले जो लेस होते हैं ना, मोती वाले ही लेस होते हैं, ये लगा हुआ है। तो इससे आप जो है ना वो ये बना सकते हैं क्वाड सेट, इससे भी बहुत सुंदर बनेगा। तो क्वाड सेट बना सकते हैं, इसका स्कर्ट बना सकते हैं, एथनिक स्कर्ट इसका बहुत सुंदर लगेगा, तो एथनिक स्कर्ट बना सकते हैं क्योंकि प्रिंट बहुत सुंदर है इसका। और इससे जो है वो आप वो गाउन या मिडी ड्रेस वो भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, तो उस तरह की बना सकते हैं। एसिमेट्रिक कुर्ती बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ, तो एसिमेट्रिक कुर्ती बनवा लीजिए आप इसके साथ, पेपलम कुर्ती के साथ वो जो अम्ब्रेला वाला प्लाजो होता है वो बनवा लीजिए। तो इस तरह की साड़ी को भी आप डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की साड़ियाँ जो होती है ना, वो सिंपल वाली साड़ी जो होती है वो मुझे लगता है क्योंकि सबके पास होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ना कि मेरी प्लेन इसकी जो डालती हूँ सिंपल साड़ी उसके साथ हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि इस तरह की साड़ियाँ सब के पास बेकार पड़ी हुई है, बहुत सारी हो गई है और पहनते पहनते बोर हो गए हैं, और खराब तो होती नहीं है ये साड़ियां, तो यूं ही रखी रहती हैं। एक देखिए मेरे पास ये है, इसका तो आप स्कर्ट ही बनाइए, बहुत सुंदर स्कर्ट बनेगा, या फिर इसका जो है वो गाउन बनाइए, मैक्सी ड्रेस बनाइए, गाउन बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। या फिर आप जरूरी नहीं है गाउन का मतलब फ्लोर लेंथ ही जरूरी नहीं है, आप इसको काफ लेंथ भी बना सकते हैं और वन पीस भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सिक्वेंस का काम है। और पूरी साड़ी ऐसी प्रिंटेड है, ये देखिए ऐसे प्रिंटेड है पूरी साड़ी, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर सा आपका ये जो है वो बनके तैयार होगा, तो इसको आप ले लीजिए इसमें और आप बना लीजिए। इसमें पल्ला वगैरह भी कुछ भी नहीं है, पल्ला वगैरह भी नहीं है इसका, देखिए ये देखिए पल्ले भी नहीं है इसके, ठीक है। तो ये आपको पूरा ही 6 मीटर की, 5.5-6 मीटर के कपड़े मिल जाएंगे, इससे आप जो है वो अम्ब्रेला स्कर्ट बना लीजिए, या अम्ब्रेला वाला ही जो है वो ये मैक्सी ड्रेस जो बनाइए उसमें भी अम्ब्रेला, फुल अम्ब्रेला डालिए, योक पर्सन के नीचे पूरा ही अम्ब्रेला डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। या नायरा स्टाइल कुर्ती भी इसमें बना सकते हैं, तो नायरा स्टाइल कुर्ती भी बहुत सुंदर बनेगा, उसको भी आप ना अम्ब्रेला लुक में ले, अम्ब्रेला लुक में लेके उस कुर्ती भी बनानी है ना आपको, तो उसको अम्ब्रेला लुक में ले। मैंने एक बनाया है पिंक कलर का अम्ब्रेला लुक में, और उसको जो है वो साइड से भी साइड से स्लिट किया है, दिया है वो अम्ब्रेला बना के उसको जो है ना वो साइड से कटिंग करके उसको ये किया, तो वो बहुत सुंदर उसका पूरा फ्लेयर आता है और बहुत सुंदर लगता है। तो उस तरह के ड्रेस भी आप इसमें से बना सकते हैं। मैं कभी वो ड्रेस फिर से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि काफी दिन हो जाता है तो आप लोग भूल जाते हो कि कैसे ड्रेस का क्या बनाना था, ठीक है। ये देखिए एक ये साड़ी है मेरे पास, तो इससे तो आप जो है ना वो मतलब
क्वार्ट सेट बनाइए या फिर आप इससे जो है वो ये बना लीजिए, मैक्सी ड्रेस बना लीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा इससे। ठीक है, तो ये सारी है आजकल। और गर्मियों में क्या होता है ना, फ्लावर प्रिंट बहुत चलते हैं, गर्मियों में लोगों को फ्लावर प्रिंट के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, तो वो उस तरह के आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मतलब लुक देगा और ये करेगा। ये देखिए, एक मेरे पास कॉटन की ऐसी साड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, ये देखिए मल्टी कलर में ऐसे बहुत सुंदर कलर है। तो इसका जो है वो हम जो है सो मैक्सी ड्रेस बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा कलरफुल हो जाएगा। तो यदि आप इतना कलरफुल पहनते हैं तो ठीक है, नहीं पहनते हैं तो फिर इसको जो है सो आप रियूज ना करें इस तरह के इसको, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही कलरफुल हो जाता है। तो कलरफुल इतना मतलब पहनना, जो पहनते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ससुराल जाती हूँ तो ये साड़ी पहनती हूँ कभी कभी, तो इसलिए रखी हुई हूँ। ठीक है, वहां तो जितने कलरफुल पहनो उतना अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज है। और एक देखिए, ये मेरे पास ये साड़ी है, ये साड़ी का तो मतलब क्या बताए, इसका जैकेट बना लो आप, इसका जो है वो स्रग बना लो, बहुत सुंदर स्रग बनेगा, स्कर्ट बना लो और ऊपर आप जैकेट बना लो, नीचे अंदर आप जो है वो कुछ भी स्कर्ट बना के उसके ऊपर आप ब्लाउज पेयर कर सकते हो, पेपलम कुर्ती कोई सा भी यूज कर सकते हो सॉलिड कलर का, या कोई कुर्ती स्कर्ट कुर्ता जो होगा आपके पास सॉलिड कलर में वो यूज कर सकते हो, व्हाइट भी अच्छा लगेगा, रेड भी अच्छा लगेगा। तो आप इसको तो जो है ना वो स्कर्ट, मैं इसका वही काम करने वाली हूँ, मैं इसका जो है वो स्कर्ट एथनिक स्कर्ट बनवाऊंगी। ठीक है, अम्ब्रेला वाला स्कर्ट बनाऊंगी, मुझे अम्ब्रेला स्कर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि थोड़े से हम लोग प्लस साइज में हैं तो स्कर्ट हम लोगों को अम्ब्रेला वाला ज्यादा सही लगता है, तो अम्ब्रेला वाला स्कर्ट बनाएंगे। या फिर आप प्लेट वाले भी स्कर्ट बना सकते हो, इसमें तो कली वाली भी स्कर्ट बनेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कट के ये हो जाएगा ये बनेगा। तो इस तरह के इसमें आप ये बना सकते हो, क्वाड सेट बना सकते हो, बट थिक, थोड़ी सी लाइनिंग इसमें थिक लगेगी जब आप क्वाड सेट बनाओगे तो, क्योंकि क्वाड सेट को स्टिफनेस चाहिए, तो वो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप जो है इसको बनाओ। और इसका जैकेट यदि बना लेते हो, स्कर्ट और जैकेट बना लेते हो, तो बहुत सुंदर लकली वाली स्कर्ट अच्छी सी बन जाएगी और उसके साथ जैकेट बन जाएगा। तो जैकेट बना लेते हो आप तो इसको किसी भी चीज के साथ, ब्लाउज तो साड़ी का भी ब्लाउज होता है और साथ में जो है वो कई तरह के हमारे पास पेपलम कुर्ती भी होती है, तो ये नहीं है तो उस तरह के कपड़े लेके, मैचिंग कपड़े लेके हम पेपलम कुर्ती बना के इसको जो है सो उस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और एक मैं साड़ी दिखाती हूँ, मेरे पास एक ये साड़ी है, देखिए ये, तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, इससे जो है ना आप कुछ भी बना, इसका स्कर्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, क्वाड सेट भी इसका बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और मैक्सी ड्रेस भी बहुत अच्छा लगेगा। कुर्ता बनाना चाहो तो मोनोक्रोमिक, इसका जो है वो दोनों ही चीज नहीं अच्छा लगेगा, बॉटम और ये नहीं अच्छा लगेगा, तो आप इसका यदि आप कुर्ती और दुपट्टा निकाल सकते हो, दुपट्टा जो है ना वो देखो इसका जो है ना ये पोर्सन ये आता है, तो इस पोर्सन से आप दुपट्टा आराम से निकाल सकते हो दोनों साइड में ये करके, ठीक है, तो इससे आप दुपट्टा बना सकते हो। तो इस तरह से, ये देखिए कॉटन की साड़ी है तो इसके दुपट्टे बहुत अच्छे बनेंगे, तो आप इस तरह की साड़ी का इस तरह का भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी कुछ साड़ी दिखाई जिसका कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो। आपको मेरे चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल को भी ऑल पे डाल लें, ताकि आपको आगे भी मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कैसा लगा आपको अपना मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, ये मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 1 को भी जरूर देखें, उससे आपको बहुत तरह के आइडिया मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी कुछ अच्छा ही लेके आऊंगी आप लोगों का मन पसंद। थैंक यू।